दोस्तों नमस्कार, निसान टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डैटसन गो गाड़ी आई है, इसका पावर स्टीयरिंग हार्ड हो रहा है। ये देखिए गाड़ी स्टार्ट है, मैं एक्सीलेटर दे के दिखाता हूँ, ठीक है। पावर स्टीयरिंग की लाइट आ रही है, पूरी तरह हार्ड है, स्टीयरिंग घूम नहीं रहा, ठीक है। जैसे पुरानी गाड़ियाँ होती थी, कार वार जो होती थी जिनमें नॉर्मल स्टीयरिंग होता था, उसकी तरह ये आज बिहेव कर रहा है। ये लाइट क्यों आ रही है, क्या है, उसके लिए हमने स्कैनर लगाया हुआ है, अभी देखते हैं क्या कोड बताते हैं। ये चेक इंजन लाइट क्यों आ रही है, ये भी चेक करेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको स्टार्ट, देखते हैं अभी क्या इसमें फॉल्ट आता है। मैक्सिमम पावर स्टीयरिंग मॉड्यूल का ही आता है, वायरिंग वगैरह तो कभी कटती हुई देखी नहीं हमने, क्योंकि पावर स्टीयरिंग मॉड्यूल होता है यहाँ पे बिल्कुल इसके नीचे, एक जो पैडल है ना हमारा ब्रेक पैडल, इसके यहाँ पर होता है। ये देखिए यहाँ से सामने से ही दिख रहा है वो, ठीक है। तो ये पावर स्टीयरिंग मॉड्यूल ही होता है इसके पास में अंदर डैशबोर्ड के। तो ये ही हो सकता है ख़राब, तो इसको भी देख लेते हैं, जो भी कोड आ रहा है इसके अकॉर्डिंग हम आगे काम करेंगे। एंड 10 एम्पियर का फ्यूज़ भी होता है, फ्यूज़ बॉक्स की मैंने वीडियो डाली हुई है, पहले उसको भी चेक कर लेंगे अगर वो ठीक है। वैसे तो वो ठीक ही रहता है, वो बहुत कम ही उड़ता है वो फ्यूज़, पर चलो पहले स्कैन करते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, अभी देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों स्कैनर आ चुका है, अभी देखिए यहाँ पर मैंने स्क्रीन पे आ गया हूँ। अभी यहाँ पर दो कोड आ रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पावर स्टीयरिंग के लिए तो हम डायग्नोस कर ही रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं, इस लाइट के लिए भी हम चेक करेंगे। तो अभी यहाँ पर देखो दो कोड इसके अंदर करंट में आ रहे हैं, प्रजेंट में। तो पहला है P0141HO2S2, यानी ऑटो सेंसर का कोड आ रहा है, ठीक है। B1B2 बैंक 1 बैंक 2 बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑटो सेंसर है वो देख के हम बता देंगे, आई थिंक B1 है तो ऊपर वाला ऑटो सेंसर होगा इसका। एंड दूसरा देखिए नीचे आ रहा है C1608 कंट्रोल यूनिट, एंड ये किसके अंदर आ रहा है, EPS के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग के अंदर ये कोड आ रहा है। और ये EPS मोटर जो है ये भी इसके अंदर ही आता है, पावर स्टीयरिंग के अंदर ही। तो अभी हमें क्या करना है, हमें डाउट है कि इसका कंट्रोल यूनिट जो EPS मॉड्यूल जो है वो ख़राब हो गया है, ठीक है। तो अभी हम अप्रूवल डालेंगे, फिर देखते हैं उसको डालने के बाद ये गाड़ी ओके होती है कि नहीं होती, ठीक है। तो अभी हमें ये दो डाउट है, अभी हम इसको लिख देते हैं। तो दोस्तों पावर स्टीयरिंग मॉड्यूल जैसा कि मैंने आपको बताया था इसी लोकेशन पे होता है, तो यहाँ पर ना इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ लगा रहता है। अभी इसको इनको करके टाइट करके बाहर आ जाने दो, क्योंकि मैं चला गया था रोड टेस्ट पे, तब तक इन्होंने मॉड्यूल में इनको बता ही चुका था, अप्रूवल मिल गया था, मॉड्यूल रिप्लेस कर दिया इन्होंने, ठीक है। अब ये इसको टाइट करके बाहर निकलेंगे, मैं आपको लेट के दिखाऊंगा किस लोकेशन पे लगा रहता है, ठीक है ना। एंड उसके बाद मैं आपको गाड़ी चला के रोड टेस्ट करके भी दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ जानकारी के लिए, इसको टाइट करने के लिए पावर स्टीयरिंग मॉड्यूल को 12-13 का पाना चाहिए, एंड एक स्क्रू ड्राइवर भी चाहिए, वो मैं दिखा देता हूँ क्यों चाहिए, अभी लेट के दिखाता हूँ। इतना तो कर ही सकता हूँ यार आप सभी के लिए, लेट सकता हूँ गाड़ी में। तो दोस्तों ये इसका पावर स्टीयरिंग मॉड्यूल है, मैं गाड़ी के अंदर पूरा घुस गया हूँ। एंड यहाँ पर देखिए इसमें कनेक्टर्स लगे रहते हैं, ठीक है। ये मेन सप्लाई के हैं, ये मेन हार्नेस का कनेक्टर है, ठीक है। ये पावर स्टीयरिंग, ये टॉर्क सेंसर से आ रहा है इधर, ठीक। ये एकदम कॉलम के अंदर टॉर्क सेंसर लगा रहता है, ठीक है। एंड मैं लेट के इसीलिए दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये पेच जो है ना, इस पर पेंच लगा हुआ है, ये तीन पेंचों पर फिक्स रहता है। इस जो ये है ना कॉलम पूरा, मतलब ब्रैकेट इसके ऊपर। एंड पीछे की तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो नट दिखाई दे जाएंगे, यहाँ पर ये देखिए नट क्या बोल्ट ही, ठीक है। तो ये बोल्ट खोल के कंप्लीट बाहर निकाल लिए जाते हैं, ठीक है ना। ये पूरा का पावर स्टीयरिंग मॉड्यूल बाहर निकाल लिया जाता है, एंड ये ही हमने रिप्लेस किया है। एंड मैं आपको दिखा देता हूँ इससे रिलेटेड और क्या क्या चीज़ होती है, वो देखिए पावर स्टीयरिंग की मोटर होती है, उसका भी एक कनेक्टर सीधा यहीं आ रहा है, ये ब्लू कलर का जो कनेक्टर है ना, ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, एंड यहाँ पर इसका एक टॉर्क सेंसर हो जाता है, ठीक है ना, ये वाला, ये इसका अंदर टॉर्क सेंसर लग रहा है। एंड ये स्टीयरिंग कॉलम हो जाती है पूरी की पूरी नीचे तक, समझ गए। तो ये इसके अंदर मैंने अभी इसके अंदर क्या रिप्लेस किया, ये पावर स्टीयरिंग मॉड्यूल। बाहर निकलता हूँ यार ज़रा हल्का सा। एंड इसको टाइट करने के लिए मैंने आपको बताया था ये 12-13 का रिंच चाहिए, एंड एक स्क्रू ड्राइवर क्यों चाहिए, ये चीज़ भी मैंने आपको इसमें दिखा दिया है। तो अभी क्या है, ये इसको हमने टाइट तो कर दिया, अभी स्कैनर लगा के ज़रा एक बार चेक कर लेता हूँ कोड गया है कि नहीं गया है।
फिर एक बार वो टेस्ट और करेंगे। अगर वो टेस्ट के लिए कस्टमर बोलता है तो ठीक है, नहीं तो अभी स्कैनर लगा के कोड कर चेक कर लेते हैं गाड़ी। दोस्तों पावर स्टीयरिंग की लोकेशन वगैरह हम देख चुके हैं, कहाँ पर वो लगा है, वो रिप्लेस भी हो चुका है। मैं रोड टेस्ट पे चला गया था तब तक लड़के ने उसको बदल दिया। पर एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो होता क्या है, मान लो जब भी आप इलेक्ट्रिकल चीज़ कोई खोलो या उसको रिप्लेस करो, तो आपको करना क्या है, बैटरी का टर्मिनल खोल लेना है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बैटरी का टर्मिनल खोल लेंगे तो कोई इलेक्ट्रिकल इशू गाड़ी के अंदर नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। एंड ये देखिए अभी भी पावर स्टीयरिंग की इसमें लाइट आ रही है, ठीक है। तो अभी स्कैन करेंगे क्योंकि अभी कोड इसके अंदर फिक्स है, ठीक है। मेमोरी जो है मॉड्यूल की, उस स्कैन लाइन की, उसके अंदर अभी भी कोड फिक्स है। तो अभी क्या करेंगे, हम स्कैनर लगा के गाड़ी को का जो एक फॉल्ट कोड है इसको हटाएंगे एंड फिर इसके बाद चेक करेंगे गाड़ी स्टार्ट करके। तो अभी मैं सिस्टम लगा लेता हूँ, सिस्टम बहुत ही ज़रूरी है। इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ आ गई हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल गाड़ी आ गई, हर एक चीज़ का एक्चुएटर या सेंसर मिलने लग गया है। बैटरी के ऊपर भी एक सेंसर आता है नेगेटिव टर्मिनल पर, उसकी क्या वर्किंग होती है उसके बारे में भी ज़रूर बताऊंगा। उससे बहुत ही फ़ायदा होता है अपनी गाड़ी का, जैसे बैटरी वीक जल्दी से नहीं होती, बैटरी की लाइफ कम बढ़ जाती है एंड आपकी गाड़ी को पिकअप भी ठीक मिलने लगता है उस सेंसर की वजह से। ये चीज़ भी मैं उस वीडियो में कवर करूँगा। तो यही था, अभी स्कैनर हम लगा लेते हैं, देखते हैं फिर क्या आता है, ठीक है। तो चलो, तो दोस्तों मॉड्यूल लगा के अभी हम स्कैन कर रहे हैं। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ डैटसन गो को कैसे स्कैन करते हैं सिस्टम से, डायग्नोस ऑल, हर वीडियो में मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, इधर डैटसन लिखा हुआ है, डैटसन पे क्लिक किया, फिर इसके बाद यहाँ पर गए, किसी पर भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। एंड ये ऑटोमेटिक कोड उठा लेगी, ये डैटसन गो का मॉडल कोड होता है AD0, ठीक है। एंड इसमें ये साल दिखा रहा है। अभी यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा जैसे ही हम इग्निशन ऑन करेंगे, ये देखिए इग्निशन ऑन, एंड ये देखिए सेलेक्ट का ऑप्शन रिफ्लेक्ट हो गया है। इस पर क्लिक करते ही ये कंफर्मेशन मांग रहा है, विन चैचिस जो भी है यहाँ से उठा लेता है, ठीक है, इसमें दिखाएगा नहीं, पर ये सारी चीज़ें हमने डाली हैं, ओके है। फिर इसके बाद हमें नीचे कन्फर्म करना है, कन्फर्म करते ही प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसको हो जाने दो। इस तरीके से प्रोसेसिंग चलता है, ये 100% होते ही सीधा मॉड्यूल्स पर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो हो जाने दो, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेती है, मैं इसलिए रोक देता हूँ बीच में वीडियो, कि लंबा ना हो, आपका टाइम ख़राब ना हो। तो ये अभी 100% होने वाला है, जैसे ही हो जाएगा आगे, हाँ ये हो गया। एंड इसके बाद अब देखना आपको, ये सारे मॉड्यूल्स इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। ये बहुत सारे कोड्स दोबारा आ गए हैं, इनको यहाँ पर इरेज कर देते हैं, ठीक है। एंड एक बार गाड़ी स्टार्ट करके चेक करेंगे दोबारा कोड आए हैं कि नहीं आए हैं, ठीक है। तो ये ऐसे इसका इरेज हो गया। अभी इसके अंदर नो DPC दिखा रहा है, मैं ज़रा एक बार गाड़ी और स्टार्ट कर लेता हूँ, तब समझ में आएगा अगर यहाँ पर कोई कोड आता है EPS में, ये EPS है, अगर आता है तो फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, फिर हम वायरिंग वगैरह चेक करेंगे। वैसे तो क्योंकि कोड चले गए हैं, अब इसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं आने वाला। स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी, ज़रा गाड़ी स्टार्ट हो गई है दोस्तों, देखिए RPM, ठीक है। एंड यहाँ पर अभी भी कोई DTC नहीं आया है, इसका DTC मतलब डायग्नोस ट्रबल कोड, ठीक है। तो नो DTC ये दिखा रहा है, एंड इसके अंदर देखिए कोई भी EPS की लाइट नहीं आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, मेरी वीडियोज़ को लाइक करने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड इसके बाद एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ आपके, यहाँ पर एक और लाइट आ रही थी ना, चेक इंजन लाइट, तो वो होता क्या है, जब गाड़ी चलेगी, चलने के बाद ही, कुछ किलोमीटर चलने के बाद ही ऑटो सेंसर जो ख़राब है वो रिप्लेस हुआ नहीं है, तो वो कुछ किलोमीटर चलने के बाद ऑटोमेटिक लाइट आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि लाइट हमने रेस कर दी तो वो दोबारा ऑटो सेंसर काम करने लगेगा, ठीक है। तो ऑटो सेंसर का अप्रूवल कस्टमर ने दिया नहीं, 6-7 हज़ार के आसपास होता है वो। कस्टमर कह रहे हैं मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है चलने दो, पर उससे प्रॉब्लम है, पिकअप पे एंड एवरेज पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, एवरेज बहुत गिर जाता है, क्योंकि वो ECM को डाटा दे नहीं पाता और फ्यूल को ECM भेजता रहता है बस कैलकुलेट करके। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, चलो फिर जय हिंद जय भारत। पावर स्टीयरिंग मॉड्यूल चेंज हो गया, गाड़ी ओके हो चुकी है।